Awesome, bro. एक नंबर एक नंबर. क्या बढ़िया था मूवी के अंदर बात अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. हाँ सर कैसी लगी? अच्छी पिक्चर है एकदम. मजा आया पंगा? अरे याद से सर कैसी लगी मूवी? कैसी लगी? बढ़िया मैम. कैसी लगी मूवी? बहुत मजा आया हमें देखने में. क्या मजा आया? बहुत देखना क्या बोलते हैं मैच का बहुत बहुत इंटरेस्ट लगा. अजीत कौन कैसे लगे? बहुत अच्छा काम किए. उसकी जो वाइफ जो काम किया उनका भी बहुत अच्छा. बहुत पसंद. कैसी लगी मूवी आपको मैम? कैसी लगी मूवी आपको? बस नाइस. क्या इमोशनल है, एंजॉय. हाँ अजीत में काम कैसे? बहुत हार्ट टचिंग था. उसकी जो वाइफ का काम जो उसकी वाइफ जो है वो भी अच्छी है, मतलब सपोर्टिव है खूब. थैंक यू. अच्छा अच्छा है भैया. क्या बढ़िया था मूवी. कैसी लगी मूवी आपको? सही है. अजीत कौन कैसे लगे आपको? वापी बात कैसी लगी उनका? बहुत अच्छा लगी है. अजीत कौन कैसे लगे आप सब? पूरा फिल्म अच्छा लगा, बहुत अच्छा है. खाली हीरो पे मत जाना, ये हीरोइन रेवे वो क्या बोलते हैं गिरिराज सब सब लोग सब बोल किए. हाँ थैंक यू. 4.5. कैसी लगी मूवी? बहुत क्यूट. 100% बहुत अच्छी लगी. गेम कैसे बढ़ाया, आगे कैसे लेके चले गेम को. एक पल के लिए सांसें रुक गई थी कि आगे बढ़ेगा गेम क्या नहीं बढ़ेगा, क्या इंडिया क्या कर पाएगा आगे क्या नहीं कर पाएगा, मगर आई लव यू इंडिया. नाइस. अजीत का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत बेहतरीन. उसकी वाइफ का किरदार निभा रहे हैं. अच्छा लगा फिलहाल जो भी है. कितना रेटिंग दोगे फाइव में? सॉरी फाइव वोट कितना चेंज कर दोगे मूवी को? 100% कैसी लगी मूवी आपको? या इट इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग एंड इट्स ब्रिलियंट का आउटकास्ट एंड आई वुड से इंडिया सच नीड सच मूवीज. या मूवी बहुत अच्छी है और इस टाइम ऐसी मूवी बनना बहुत बड़ी बात है जहां फुटबॉल के मैच को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती और इस टाइम ऐसी मूवी आई है. तो सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आके ये मूवी देखें क्योंकि बार बार ऐसी मूवी नहीं बनेगी. अजय देवगन के बारे में किरदार की ही बात कर रहा हूँ कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि उनका इमोशनल उनकी एक्टिंग पब्लिक जानती ही है. खैर अजय देवगन ऐसा काम कोई कर भी नहीं सकता था इस मूवी में. बाकी जो फुटबॉल प्लेयर जो मूवी के अंदर जो काम कर रहे हैं उसका काम हो जाता है? उसमें सभी लड़के जितने भी थे सब बहुत अच्छा काम किए अपनी अपनी जगह पे और भी मूवी बननी चाहिए ताकि फुटबॉल का नाम दुनिया में और रोशन हो. 1962 के बाद दोबारा कभी इंडिया इस जॉनर तक पहुँच नहीं पाई. मेरा विश रहेगा कि इंडिया आगे भी फुटबॉल में अच्छा करे. पब्लिक को देने चाहिए क्या लगा आपको मूवी वाला? पब्लिक को एक बार मूवी ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी मूवी बार बार बनती नहीं है और मेरा पब्लिक से निवेदन है कि पब्लिक आए और एक बार ज़रूर देखे ये मूवी. कितना रेटिंग रहेगा मूवी का 5 में से आपको? 5 में से 5. बहुत अच्छी. क्या बढ़िया था बात करें मूवी का? सब कुछ अच्छा है. लेंथ 3 घंटे का लेंथ है लेकिन बोरिंग नहीं होता है. पब्लिक स्क्रीन प्ले स्टोरी ऐसा अच्छा है और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है. अरे 3 घंटे बांधे रखने बहुत मतलब बहुत कमाल की बात है क्योंकि ऐसा कोई अलग सा कॉमेडी बनाया है कि फाइट दिखाया ऐसा कुछ नहीं है. ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर चाहे पिक्चर 3 घंटे बांधे रखते पब्लिक को. अजय सर तो अपना फेवरेट है उसके बारे में आप गलत नहीं बोलते. अरे हर एक जेनर भाई फिट होते हो, कॉमेडी हो एक्शन हो और वो जो टाइप का मूवी कर रहे हैं अपने एज के सबसे सही स्क्रिप्ट चूज कर रहे हो क्योंकि अभी यंग नहीं ऑलरेडी तो एज हो गया ऑलरेडी और लोगों को इस सबसे उनको जेनर में वो सही ये टाइमिंग भी जा रहे हैं तो जो स्टोरी स्क्रिप्ट कर रहे हैं जो अच्छे कर रहे हैं. भाई 5 से 5 देगा. मैदान में लगता है भारत ने मैदान जीत लिया भाई. कोड़िया को जिस देश में हमारे क्या विरोध हो रहा था वहाँ पे पूरा जो भी पॉपुलेशन था पूरा स्टेडियम में आके चिल्ला रहे सिक्योरिटी में पूरा विरोध हो रहा था तब भी हमने वहाँ पे मैदान जीत लिया. ये भारतीय इतिहास है 1962 का गर्व की बात है. बहुत अच्छी मूवी बनी है भाई. अजय देवगन का एज अ कोच का बहुत अच्छा शांत कोच दिखाया, एकदम शांत दिखाया. जैसे बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी कूल कैप्टन वैसे ही दिखाया अजय देवगन को. एकदम उनका कोचेस का बहुत शांत मेन डायरेक्टली ऑन टारगेट लड़ना वरना किस तरीके से अपनी टीम प्लानिंग करना
के लंग कैंसर होने के बाद भी किस तरीके से ये अपने टीम को आगे लेके जाना, कोच इंजर्ड हो जाना, ये होने के बाद भी टीम के पास पैसा नहीं होने के बाद भी वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाए, वहाँ पे कन्विंस करवाए फाइनेंस मिनिस्टर, भेजो टीम को, हमारी टीम को भेजो पैसा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। जो जो डायलॉग है ना पिक्चर में रोंटे खड़े कर देते, कुछ कुछ डायलॉग जो इंग्लिश में कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जब समझ में आया लोगों ने सीटियाँ बजाई थिएटर में। काम प्रमोट किया मूवी क्या बाकी प्लेयर लोग जो अरे बाकी देखिए फुटबॉल टीम एक जन का नहीं अंदर पूरा 11 प्लेयर्स लोग का एकदम पूरा ये किरदार दिया गया, जो पंजाबी का रोल है, जो लंबू जो उनका मैं नाम तो हम लोग को ज़्यादा कर पता नहीं है, सारे जो प्लेयर्स हैं उनमें जो शॉर्ट राइट है, जो गोल कीपर, स्ट्राइकर, फिर लेफ्ट एंड, फिर मिडफील्ड फील्डर, जैसे उन लोग चेंजिंग करते हैं, जैसे जैसे उनका किरदार, जैसे कैसे ये करना, बॉल को बचाना, बॉल हाथ से, फिर एक जो लड़की है, लड़की स्टार्टिंग में जो देखा वो बंदा गोल मार रहा है, लड़की बोल रही राइट है, वो बॉल लेके खेल रहा है, फिर बाद में हमारे कोच जो रहते हैं जो अजय देवगन, वो उसको बोलते हैं भाई फुटबॉल अकेले का पहले बॉल नहीं रहता जो लेके घूमेगा, प्लेयर को पास करके लॉन्ग लॉन्ग पास भी किया जाता है, तुम्हारे सारे प्लेयर्स का अच्छे किरदार थे, जितने भी जो एक्टर थे काफ़ी अच्छे थे। मैं 5 में से फुल ऑन 4.5 दूंगा, मैं बोलूँगा ऑडियंस को भाई आओ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑन स्पोर्ट्स, और जो काफ़ी 2-3 फुटबॉल प्लेयर लड़की भी आई थी, मैं भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी बचपन में फुटबॉल खेला है, तो लाइक लेकिन ये पिक्चर में वो देखा हम लोग ऐसा लग रहा है स्टेट की वो दौर हमने देखा नहीं था, 1960 हम लोग ने देखा स्टेडियम में क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा भाई हम लोग स्टेडियम में मैच बैठ के देख रहे, जब एंडिंग में जब वो आया ना मैच खत्म, जैसे ही प्लेयर लोग ऊपर जा रहा है, इंडिया विंस, कोरियन प्लेयर लो रहे, इंडियन प्लेयर लोग खुशी से नाच रहे, जो फीलिंग्स था अंदर वो कहीं नहीं रह सके, वो फीलिंग्स हम लोगों ने पहली बार देखा है कि वो मैच कभी ज़िंदगी में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उस टाइम में ब्रॉडकास्ट नहीं था, जो भी था ऑल इंडिया रेडियो से था, तो वो लाइव हम लोग यहाँ पे जी लिए, वो ज़िंदगी हम लोग 1962 का यहाँ पे जी लिया आज गेडी गैलेक्सी में। थैंक यू सर।